हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टीडीएस का जो सेक्शन होता है 194J, यानी कि प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस का जो टीडीएस पे सेक्शन है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक और वीडियो बनाई थी टीडीएस का, जिसमें हमने एडवांस पेमेंट के बारे में बताया था और साथ में ये बताया था कि अगर हम 50 लाख से ऊपर का कोई परचेज करते हैं गुड्स, तो हम जो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करते हैं वो वाले सेक्शन के बारे में देखा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने हमारे आगे वाली टीडीएस की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख ले, क्योंकि वहाँ से आपको टीडीएस की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी और आपको टीडीएस क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, सारी की सारी चीज़ आपको जानने को मिल जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था टीडीएस ऑन परचेस गुड्स एंड एडवांस पेमेंट 194Q के बारे में, उसके दो पार्ट थे, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वाले वीडियो जरूर से देखें और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टीडीएस का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये जो भी मैंने पीडीएफ नोट्स बना के रखे हैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो भी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टीडीएस पे मैंने नोट्स बना के रखे थे 194Q वाला, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टेली प्राइम का एडवांस वाले भी कोर्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा, जो आप यहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि 194J सेक्शन में क्या होता है। तो मैंने इस पे भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि टीडीएस का सेक्शन 194J में क्या होता है और कितना टीडीएस कट किया जाता है और कितनी फीस पे। तो बेसिकली टीडीएस सेक्शन 194J में प्रोफेशनल और टेक्निकल अगर हम फीस पे करते हैं तो हमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो ये सारा का सारा आर्टिकल यहाँ पर है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी पर्सन से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल या तो टेक्निकल, तो यहाँ पर आपको एक लिमिट के बाद में अगर आप उसका पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो ऊपर ऊपर से अगर हम जाने ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो 30,000 की लिमिट है और 10% का रेट है, यानी कि टेक्निकल फीस पे 2% का रेट है और प्रोफेशनल सर्विस पे 10% का रेट है, और विदाउट पान आपको 20% का यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और ये आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल सर्विस में और टेक्निकल सर्विस में कौन कौन से पर्सन आते हैं और लिमिट का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि तो इसमें ऐसा होता है कि 30,000 का जो पेमेंट आपने किया है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन 30,000 से ऊपर का आप जो भी पेमेंट करते हैं तो उस पर पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस देना है। यानी कि अगर आपने 40,000 का पेमेंट किया है तो आपको 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में, यानी कि सेम एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 का पेमेंट किया है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने 30,000 की लिमिट क्रॉस नहीं की है। लेकिन यही अगर हम उसी साल में दूसरा पेमेंट करते हैं जिसकी लिमिट 30K क्रॉस हो जाती है, यानी कि 30,000 से ज़्यादा का लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो आपको आगे वाले जो भी आपने अमाउंट पे किया है उस पे भी, यानी कि पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मान लीजिए कि अप्रैल मंथ में आपने 20,000 का पेमेंट किया है और फिर से
तीन महीने बाद आपने 20,000 का पेमेंट किया है तो कुल मिला के 40,000 का पेमेंट हुआ, तो 30,000 की लिमिट क्रॉस हो गई है, इसीलिए आपको यहाँ पर फुल अमाउंट यानी कि 40,000 पे TDS डिडक्ट करना है। तो इस सेक्शन में पर्टिकुलर हर एक की लिमिट 30,000 की है, यानी कि प्रोफेशन की भी लिमिट 30,000 की है, टेक्निकल फीस की भी, और इस सेक्शन में जो भी अलग अलग है उन सब की लिमिट 30,000 है। ऐसा नहीं है कि किसी पूरे के पूरे सेक्शन की लिमिट 30,000 है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो टेली में भी अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं और 30,000 से क्रॉस करता है तो आपको आगे वाले पे भी TDS डिडक्ट करना है जब आप नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तब। ये मेरा PDF का नोट है। तो यहाँ पर ऐसा है कि मुरारी पावर जो है उसको हमने 50,000 रुपीज़ ट्रेनिंग फीस दी है, तो इस पे हमको TDS डिडक्ट करना होगा क्योंकि इसका 50,000 से ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हम TDS सब पे डिडक्ट नहीं करते हैं। अगर हमारा TDS का ये बेसिक सेक्शन होता है जो मैंने आपको आगे बताया था कि TDS क्या होता है और TDS किसको डिडक्ट करना होता है, तो अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट के दायरे में आते हैं तभी आपको TDS डिडक्ट करना होता है, नहीं तो आपको TDS डिडक्ट करना नहीं होता है। तो हमारी जो कंपनी है वो ऑडिट के दायरे में आती है, इसलिए हमको मुरारी को जो भी पेमेंट करना होगा तो हम वो TDS डिडक्ट करके ही देंगे। ओके, तो मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ कि कैसे पूरा TDS का प्रोसेस होता है, मैं सिर्फ यहाँ पर टेली में एंट्री कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ, क्योंकि आगे की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि TDS किसको डिडक्ट करना होता है और क्यों डिडक्ट करना होता है और सरकार को कैसे पेमेंट करना होता है, ये सारी की सारी डिटेल मैंने आगे की वीडियो में बताई हुई है। तो हम यहाँ पर मिस्टर मुरारी को 50,000 रुपये की ट्रेनिंग फीस देंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में ऐसा है कि हम एक ही टाइम पे 50,000 रुपये दे रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर 50,000 पे TDS डिडक्ट करना होगा। तो कंपनी तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि कैसे क्रिएट करनी होती है, और मैंने लेज़र का भी बताया हुआ था और TDS का भी पूरा डिटेल बताया हुआ था कि कैसे आपको 10 नंबर लिखना है और GST का एक्टिव करना है, TDS को एक्टिव करना है और लेज़र कैसे बनाने हैं। तो आज हम TDS का जो प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस का लेज़र है वो कैसे बनाएंगे और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने टेलीप्राइम में वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो कि मैंने PDF नोट्स के साथ अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लेज़र बनाया है मिस्टर मुरारी का, जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, और स्टेचुटरी डिटेल में मैंने यहाँ पर TDS को भी एप्लीकेबल किया हुआ है। और उसके बाद में हम प्रोफेशनल फीस का एक लेज़र बनाएंगे जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और उसके बाद में हम प्रोफेशनल फीस जैसे बना के TDS को एप्लीकेबल कर देंगे और नेचर ऑफ पेमेंट हम बना देंगे फीस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि परचेज पर जैसे हमने नेचर बनाया था इस तरीके से। और ये TDS नेचर ऑफ पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है कि कैसे आपको नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, और ये सारे के सारे लेज़र की लिस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेलीप्राइम में आ जाते हैं और ये वाली एंट्री करेंगे और सबसे पहले हम लेज़र बना देंगे। ओके, तो ये हमारा लेज़र की लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं टेलीप्राइम में आ गई हूँ और क्रिएट पे जाके मैं जाऊँगी लेज़र में, और सबसे पहले मैं यहाँ पर बना दूँगी मिस्टर मुरारी पवार, और वो हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, और स्टेचुटरी डिटेल्स हमको यस करनी है, और डिडक्टी टाइप में हमारा आएगा इंडिविजुअल HUF रेसिडेंस और TDS डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर को यस कर देना है, और यहाँ से हम ऑल आइटम सिलेक्ट कर देंगे और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए कर, और फिर एंटर करके हम यहाँ पर इसका पैन कार्ड दे देंगे जो कि है 1AAA
पैन नंबर भी मैंने यहाँ पर ले ली है और सारी डिटेल्स देके कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव, और फिर मैं यहाँ पर दूसरा बना देती हूँ लेजर प्रोफेशनल फीस का, जो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। प्रोफेशनल फीस का लेजर बना के हम उसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और फिर यहाँ से स्टेचुटरी डिटेल्स में सेट अल्टर अदर स्टेचुटरी डिटेल्स को यस कर देंगे। इज टीडीएस एप्लीकेबल अनडिफाइंड लिखा है, तो यहाँ से हम स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे एप्लीकेबल, और फिर यहाँ से नेचर ऑफ पेमेंट में हमको क्रिएट पे जाके क्रिएट कर देना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, सेक्शन लिख देंगे 194A, पेमेंट कोड हमारा आएगा 194J, और रिमाइंडर कोड की जरूर अभी हमको नहीं है, और विथ पान में हमको 10% डिडक्ट करना है, और रेजुअल लिमिट जो है हमारी वो 30,000 रुपीज की है। ठीक है, फिर हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट, और फिर इसको भी हम कर देंगे कंट्रोल ए करके। अब हमें दूसरा लेजर बनाना है TDS ऑन प्रोफेशनल फीस का, और उसको हम रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे TDS, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे लेजर बन गए हैं। HDFC बैंक का भी मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया था, जो अभी तक हमारे पास है, और अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे कि हमने जो प्रोफेशनल फीस है यानी कि जो सर्विस ली है टेक्निकल फीस की, तो उसका 50,000 का पेमेंट हमको पे करना है। तो हम डेबिट करने वाले हैं यहाँ पर प्रोफेशनल फीस को 50,000 से, और क्रेडिट करेंगे मुरारी को 45,000 से, और क्रेडिट करेंगे TDS, क्योंकि हम एक ही वाउचर में यहाँ पर एंट्री करेंगे कि हमारा TDS जो है वो डिडक्ट हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम ये हमारा जो 5,000 है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पर टेली प्राइम में चले जाते हैं, और सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और हम F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में आ गए हैं, और आपको डेट जो है वो चेंज कर देनी है, जो आपकी डेट है ओरिजिनल। और डेबिट हमको करना है प्रोफेशनल फीस को, और यहाँ पर आएगा हमारा 50,000, और फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस मैंने नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर दिया है, और क्रेडिट मेरे को करना है मुरारी को, जो 45,000 होगा, और हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस करके यहाँ पर नंबर देके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, और फिर हमको क्रेडिट करना है TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। तो आप यहाँ पर गौर फरमाना कि जैसे मैंने TDS ऑन प्रोफेशनल फीस सिलेक्ट करी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी TDS का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट करके एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कि 5,000 हमारा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जनरल वाउचर में एंट्री करनी है, और नीचे आपको नरेशन भी लिख देना है। ओके, टेली में भी अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं और 30,000 से क्रॉस करता है, तो आपको आगे वाले पे भी TDS डिडक्ट करना है जब आप नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तब। तो यहाँ पर टेली में हम जब वाउचर में जाके एक एंट्री करते हैं प्रोफेशनल फीस, जो कि हमारा होगा 20,000, और यहाँ पर हम XYZ कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 पे, तो हमारा यहाँ पर कोई भी TDS नहीं लगने वाला है। लेकिन ये जो लिमिट है, हम फिर से मई मंथ में यहाँ पर अगर पेमेंट करते हैं, मान लीजिए कि प्रोफेशनल फीस जो है 20,000 की, तो यहाँ पर मैंने 20,000 किया, और फिर क्रेडिट करना है मेरे को XYZ को
और वो 18,000 यहाँ पर काउंट हो रहा है। और फिर हम यहाँ से क्रेडिट करेंगे TDS ऑन प्रोफेशन फीस जो कि 2000 हुआ है। तो फिर हम ये वाली एंट्री यहाँ पर सेव कर देंगे। लेकिन हम जनरल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा गया है कि TDS नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल फॉर XYZ अकाउंट। तो ये हमको ये वार्निंग भी दे रहा है कि हमने आगे वाले ये जो 30,000 की लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, इसलिए आपको आगे वाले जो भी आपने अमाउंट पे किया है यानी कि प्रोफेशनल फीस का जो बिल है उस पर हमने TDS डिडक्ट नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो हम इसको यस कर देंगे यहाँ से। और फिर हम जो डेट होती है वो लिख देंगे और हम यहाँ पर जनरल वाउचर में ये वाली एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई है और हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके। तो आप हम यहाँ पर डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके करंट लायबिलिटीज़ में जाके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर TDS जो है वो यहाँ पर डिडक्ट किया था 1 मई में, और 1 मई को हमने अप्रैल वाला पेमेंट की भी हमने जो 20,000 का किया था वो एक्स्ट्रा कर दी है, यानी कि टोटल हमको 4,000 का TDS डिडक्ट करना है। जैसे कि फुल अमाउंट जो है हमारा 40,000 का है तो वो हमारा टोटल यहाँ पर आ गया है। जैसे आप यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी देख सकते हैं कि ये XYZ कंपनी का हमारा ये जो 2,000 है वो हमने यहाँ पर डिडक्ट किया हुआ है, और एक्स्ट्रा 2,000 हमने यहाँ पर एट द वाउचर के टाइम पर भी डिडक्ट कर दिया था, तो टोटल हमने 4,000 यहाँ पर डिडक्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से TDS ऑन प्रोफेशन का सेक्शन वर्क करता है। तो इस तरीके से अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आगे वाले आपने जो पेमेंट किया था तो वो आपको नेक्स्ट पेमेंट के टाइम पर TDS डिडक्ट कर लेना है, यानी कि वो 20,000 पे, और नेक्स्ट हम जो 20,000 पे करेंगे तो उस पर हम इस वाले 20,000 के भी 2,000 कट करेंगे, और अप्रैल को जो 20,000 पे हमको 2,000 का TDS डिडक्ट करना था तो वो भी करेंगे, यानी कि 4,000 हम डिडक्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आर्टिकल में भी ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें और पूरा का पूरा सेक्शन आप एक बार ज़रूर से पढ़ लें कि किस तरीके से सेक्शन होता है, जो आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप जो मेन जो वेबसाइट आती है क्लियर टैक्स की, और उस वाली वेबसाइट पे पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने जो फर्स्ट में मुरारी को हमको 45,000 का पेमेंट करना है HDFC बैंक से, तो हम पेमेंट में जाएंगे और मुरारी को डेबिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुरारी के करंट बैलेंस में 45,000 दिख रहा है, यानी कि 45,000 ड्यू है, और हम इसको पेमेंट कर देंगे HDFC बैंक से, और इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके से। और अब हमको ये जो हमने मुरारी का TDS डिडक्ट किया है 5,000 का, वो सरकार को जमा कराना होता है। तो अब हम TDS ऑन प्रोफेशन फीस जो हमने 5,000 की डिडक्ट की है वो चलान क्रिएट करके हम सरकार को जमा करेंगे HDFC बैंक से, तो इसलिए हम यहाँ पर TDS ऑन प्रोफेशनल फीस पे जाएंगे और 5,000 यहाँ पर लिख देंगे, और फिर क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक को, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट को बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है कि TDS जो आपने कलेक्ट किया है वो आपको सारा का सारा चलान क्रिएट करके, जिस जिस पर्सन का आपने TDS कलेक्ट किया है उसका चलान बना के अदर डिटेल लेके सरकार को जमा कराना होता है। तो मैं इसको कर देती हूँ कंट्रोल ए करके सेव। तो इस तरीके से आप TDS की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर ले, और आप हमें साथ में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और आगे की भी हमने जो भी वीडियो बनाए है वो भी आपको
अच्छे लगे होंगे और इजीली आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी।